कमलेश तिवारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि मामले में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता हाथ से मिली है, जिसमें कमलेश तिवारी हत्याकांड में फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दो आरोपी कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात एटीएस के जरिए। वहीं दोनों आरोपी मोइनुद्दीन और अशफाक को गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से पकड़ा गया है। तो बताया जा रहा है पैसा खत्म होने पर दोनों आरोपियों ने परिवार वालों से पैसे के लिए जब संपर्क किया था उसी दौरान ये जानकारी यहां पर मिली और लोकेशन के बाद आखिरकार गुजरात एटीएस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तो एटीएस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। दोनों आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। मोइनुद्दीन गुजरात में फूड डिलीवरी का काम करता था, जबकि अशफाक एमआर का काम करता था। बड़ी कामयाबी कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर, जहां पर आखिरकार गुजरात एटीएस को कामयाबी मिली है और दो मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अशफाक और मोइनुद्दीन। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गुनाह भी पूछताछ में इन्होंने अपने कबूल कर लिया है कि इन्होंने ही इस साजिश को अंजाम दिया है। तो 2015 में मोहम्मद पैगंबर को लेकर जिस तरह से बयान दिया था, उसी से ये युवक नाराज थे और उसके बाद इन आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। युवकों के अलावा उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने इसमें कोई न कोई योगदान दिया है, उनको हम कॉन्स्पिरेसी के तहत उनसे डील करेंगे। उनको देखेंगे कि क्या उनकी भूमिका रही है और उसके बाद हम देखेंगे कि विवेचना को और कैसे हम आगे बढ़ा सकें। उनसे पूछताछ के बाद जो भी तथ्य हमें मिलेंगे, जो भी हमें तार उनसे जुड़े हुए मिलेंगे, तो उन पर भी विचार किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मेन मांग आपकी अपराधियों को फांसी की सजा दिलाना, इसके लिए आप पर्सनल पर भी करेंगी कि सरकार की तरफ से? तारीफ तो हम ऐसा करते हैं जी, अभी जिसका जवान बेटा मरेगा उसके मुझसे कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ तो हम हमेशा करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी? और क्या कहें, बस खुश हैं। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट हैं, बता तो रहे जी, संतुष्ट हैं जी, लेकिन फांसी होना चाहिए जी।